स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल नेचर फैक्ट की दुनिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के खौफनाक आइलैंड के बारे में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में ही अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक जगह इटली में भी मौजूद है। इटली में एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर लौट पाना मुश्किल है। दरअसल इटली में पोवेग्लिया आइलैंड से जुड़ी हुई खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के इलाके छोड़ दिया गया था। बाद में ब्लैक डेड, काला बुखार के समय भी इस आइलैंड का ऐसा ही इस्तेमाल जारी रहा। जिंदा जला दिए गए थे लोग। यहाँ बीमारी से जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफनाया जाता था। बाद में मरीजों की संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से लोग इसे भूथा मानने लगे और यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। हालांकि 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर और नर्सों को कई असामान्य चीज़ें नज़र आने लगी थी। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे। 1960 में प्राइवेट मालिक ने खरीदा। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक यह आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1960 में प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन तक रहा, इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे होलीडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह भी यहाँ सिर्फ कुछ दिन तक ही टिक सके। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी को मुंह को किसने काट दिया था, उसे जोड़ने के लिए 14 टाँके लगाने पड़े थे। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच के तलाश में गए ज़्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आ सके और यह आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग बचकर लौटे उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। इस आइलैंड पर रात गुजार चुके एक शख्स ने बताया कि किसी ने मुझे तुरंत इस आइलैंड को छोड़ देने के लिए कहा, और उसने ये भी कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं लौटोगे तो जिंदा बचकर जाना मुश्किल होगा। हालांकि इस भूथा आइलैंड की सच्चाई क्या है अभी तक एक रहस्य है। सरकार कर चुकी है बैन। उत्तरी इटली में 18 लैगून में स्थित इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। सरकार ने लोगों को यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। सिर्फ शराब की फसल के समय ही यहाँ पर लोग जाते हैं। मछुआरे भी इसके पास मछली पकड़ने नहीं आते हैं। इनके जाल में कई बार मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।